प्रशिक्षण का बिल भुगतान करने के लिए नर्मदापुरम सीएमएचओ महिला लेखापाल ने रिश्वत मांगी। रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों धर पकड़ा। प्रशासन ने सीएमएचओ को स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी है। एक बड़ा मामला नर्मदापुरम सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मोजिशे और महिला लेखापाल भावना चौहान का सामने आया। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी की माने तो कार्यालय के क्लर्क मदन लाल द्वारा प्रशिक्षण के 16,000 के बिल वापस करने के लिए जब भी सीएमएचओ और लेखापाल से मिलते हैं तो उनके द्वारा 7,000 की रिश्वत मांग रखी गई। मदन लाल बहुत परेशान थे। संबंधित विषय की शिकायत उन्होंने भोपाल लोकायुक्त में की। मदन लाल की सहायता के लिए भोपाल से लोकायुक्त की 11 सदस्य टीम सहायता के लिए पहुंची। स्याही लगे नोट मदन लाल ऑफिस पहुंचकर अधिकारी को देते हैं। तुरंत बाद ही लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। निरंतर 4-5 घंटों तक चली कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग हमले में हड़कंप मचा। प्रशासन ने सीएमएचओ को स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी है और बड़ा मामला नर्मदापुरम सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मोजिश और महिला लेखपाल भावना चौहान का सामने आया। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रशिक्षण के 16,000 के बिल पास कराने के लिए जब सीएमएचओ लेखापाल से मिलते हैं तो उनके द्वारा 7,000 की रिश्वत मांग रखी। मदन लाल बहुत परेशान थे। उन्होंने भोपाल लोकायुक्त में मदन लाल की सहायता के लिए भोपाल से लोकायुक्त की 11 सदस्यीय टीम सहायता के लिए पहुंची। स्याही लगे नोट मदन लाल ऑफिस पहुंचकर अधिकारी को देते हैं। तुरंत लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 5 घंटे चली कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग हमले में हड़कंप मचा। लेखापाल भावना चौहान द्वारा 5,000 और सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मोजिश द्वारा 2,000 की मांग रखी गई, जिसको लेकर मदन लाल परेशान थे। उन्होंने लोकायुक्त को सूचना दी। लोकायुक्त सहायता के लिए अपनी 11 सदस्य टीम के साथ नर्मदापुरम पहुंचे, जिसके बाद होशंगाबाद जिले के स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ और लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भैया ब्लैक ले लो भैया। आप तो मामला ये है कि वो जो अपन प्रशिक्षण देते हैं ना जिला प्रशिक्षण केंद्र में जी, उसके बिलों के भुगतान के लिए ये लोग कमीशन मांग रहे थे। कौन कौन? ये डैम तो 3-4 महीने से मेरी जान खा रही थी बहुत ज्यादा कि बोले आप पैसे दो पैसे दो। कौन? क्या नाम मैडम का? भावना चौहान। और बोले मैं प्रदीप मोजे से उनको ही पैसे दूंगी। और मैंने भी पहले दे चुका था इनको कि सर ये अधिकारी कौन है? डॉक्टर जी अधिकारी कौन है? डॉक्टर प्रदीप मोजिश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। अच्छा, कितने की डिमांड थी टोटल? 7,000 की। और अभी तक आप कितना दे चुके? उस विषय में अभी तो पूरे 7 दे चुके दोनों को मिला के। और भी मांग कर रही थी? नहीं, इसके बाद वो मेरे कुछ एक बिल और था वो कहीं मिस कर दिया। कई बार कह रहे थे अपन जैसे बिल लेके आते डायरेक्ट मार्क करके दे देते अकाउंट सेक्शन में। हाँ, बिल 17,000 रुपए का और है, 2-3 फैन करीब का। ये बिल किस ट्रेनिंग का? ये जिला प्रशिक्षण केंद्र में जो नर्सें लोग आती है ना उनको परिवार कल्याण प्रोग्राम होते हैं तो उनको जो भोजन कराते हैं। तो कई खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।